नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। नीति आयोग की रिपोर्ट को बताते हुए दिखाते हुए तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, जो उन्होंने सरकार को घेरा। दरअसल नीति आयोग की रिपोर्ट में दिखाया गया कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था के क्या हालात हैं। 1 लाख की आबादी पर महज 6 बेड उपलब्ध हैं। जी हाँ, 6 बेड उपलब्ध हैं। तो इसे उजागर किया नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने, और इसके बाद तो बवाल ही मच गया और बिहार की सियासी, बिहार में अगर कहा जाए कुछ सियासी भूचाल आ गया। स्वास्थ्य व्यवस्था पर तमाम तरह के सवाल खड़े होने लगे, और इस रिपोर्ट में जो बहुत सारी बातें कही गई, बताया गया कि बिहार आखिर सबसे निचले पायदान पर खड़ा है, और यहाँ पर आबादी के हिसाब से 1 लाख की आबादी पर महज 6 बेड हैं, और जो देश के अगर माना जाए एवरेज जो है वो 24 बेड का है। लेकिन बिहार के क्या हालात हैं ये रिपोर्ट दर्शा रही है। तो इस रिपोर्ट के हवाले से तेजस्वी यादव ने सरकार को जबरदस्त घेर लिया, और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री भी घिर गए। जी हाँ, स्वास्थ्य मंत्री को भी अब घेर लिया। पहले तो रिपोर्ट के हवाले से सरकार को घेरा, अब बिहार के स्वास्थ्य मंत्री को घेर लिया है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने। उनका एक वीडियो शेयर किया है, दरअसल ये आज का वीडियो है। नीति आयोग की रिपोर्ट आने के बाद जब बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से सवाल पूछा गया, तो वो सवालों से बचते दिखे, भागते दिखे। जी हाँ, तो ये जो वीडियो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पकड़ लिया और उसे शेयर कर दिया। जी हाँ, उन्होंने शेयर कर दिया। मंगल पांडे भागते नजर आ रहे हैं। पहले वो जो वीडियो शेयर किया है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने, वो आप देखिए। मंगल पांडे जी, नीति आयोग की रिपोर्ट जो रिपोर्ट आया है सर, उस पर क्या कहेंगे सब सर? चलिए देख लिया आपने कि मंगल पांडे, जिनसे पूछा गया नीति आयोग के बारे में कि ये रिपोर्ट आई है और बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था का जो हालत है वो बताया गया है, 1 लाख पर 6 बेड है, मंगल पांडे कोई जवाब नहीं दे सके और भागते दिखे। कोई सवाल का जवाब नहीं दिया उन्होंने, मुंह बंद रखा। तो अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस पर लिखा कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे नीति आयोग की रिपोर्ट में संपूर्ण देश में बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था के सबसे फिसड्डी होने के सवाल पर मीडिया से मुंह छिपाकर भागते हुए, यानी वीडियो शेयर करके उन्होंने लिख दिया कि आखिर क्यों भाग रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री। वजह यह है कि नीति आयोग की रिपोर्ट में पूरे देश में बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था के पोल खुल गए हैं, सबसे फिसड्डी साबित हुआ है बिहार। तो अब मंत्री जी मुंह छिपाकर भाग रहे हैं, ये कहना है तेजस्वी यादव का। और लिखने उन्होंने लिखा है आगे, 16 वर्षों के इनके कार्यकाल में चमकी बुखार, कोरोना व इलाज के अभाव में प्रतिवर्ष हजारों लोग मरते हैं। तो तेजस्वी यादव ने बता दिया है कि 16 वर्षों की ये सरकार है, इस सरकार में लोग चमकी बुखार से मरते हैं। बच्चों की चमकी बुखार जो है मुजफ्फरपुर के इलाके में, चमकी बुखार से पिछले अगर गत कई वर्षों पहले की बात करें तो चमकी बुखार से सैकड़ों बच्चों की मौतें हुई थी, उस पर भी खूब बवाल हुआ था। उसके बाद कोरोना की जो दूसरी लहर आई उसमें भी बिहार में हालात बेकाबू हो गए थे। उस वक्त भी देखने को मिला था कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था के क्या हालात हैं, न डॉक्टर हैं, न स्वास्थ्यकर्मी हैं, न दवा है, न बेड है, और न हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है सब चरमरा गई थी। दरअसल मरीज ज्यादा संख्या में आए तो सब व्यवस्था ही चरमराती हुई दिख रही थी। तो उसकी भी याद दिला रहे हैं तेजस्वी यादव, और कह रहे हैं कि इलाज के अभाव में प्रतिवर्ष हजारों लोग मरते हैं। यानी सरकार का जो दावा है कि स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार किया गया है, उस दावे की पोल खोलते दिख रहे हैं, और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री के पास इसका जवाब नहीं है, इसीलिए वो भागते हुए नजर आ रहे हैं। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।